सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर स्थित सेक्टर 10 गणेश पंडाल के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक युवक प्रसाद का वितरण कर रहा था तो दूसरा युवक ट्रेलर के साथ चल रहा था। रविवार की रात्रि सेक्टर 10 गणेश पंडाल के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में सेक्टर 6 निवासी दो युवकों की मौत हो गई। मृतक युवक अपने साथियों के साथ सेक्टर 6 पेट्रोल पंप के सामने बैठाए गए गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने ट्रेलर में जा रहे थे। इस दौरान ग्लोब चौक से सेक्टर 9 चौक की ओर जा रही तेज रफ्तार कार चालक ने कार ट्रेलर में घुसा दी। इसकी चपेट में प्रसाद वितरण कर रहा शंकर आ गया, जिसकी घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि कार की चपेट में आए दूसरे घायल युवक नीरज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। आयोजन समिति के सदस्य ने घटनाक्रम की जानकारी दी। अभी हम लोग सेक्टर 6 से गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो मैं तो वहां से घर चले गया था। मुझे खबर मिली कि हमारी जो ट्रेलर जा रही थी, ट्रेलर को पीछे से एक कार वाले ने बहुत तेज स्पीड से ठोका है, तो उसमें जो प्रसाद वितरण कर रहे थे दो लड़के हैं, शंकर कुमार और नीरज, ऐसा खबर आ रहा है कि दोनों एक्सपायर कर गए। कार वाले को 112 वाले ने थाने लेकर गया है, उसके बाद अभी कुछ खबर नहीं। दो के अलावा दो लोग कुछ घायल पता चल रहा है, लेकिन अभी तक डिटेल पता नहीं चला है कि कहाँ पे एडमिट है या कुछ, अभी पता नहीं चल पाया है। मैं जस्ट अभी आया हूँ। बहरहाल इस दुर्घटना के बाद मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। इस हादसे के बाद समिति सदस्य और मोहल्लेवासी सेक्टर 9 अस्पताल पहुंचे, जहां जमकर हंगामा हुआ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।